यहाँ हम रोटियां बना रहे थे काफ़ी ज़्यादा, और फिर हमें फ्रीज़ करनी थी। ये देखिए मेरी चिड़ियां काम कर रही हैं दोनों, माशाल्लाह से बहुत हेल्प करवाई इन्होंने। और मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी और साथ में कह रही थी कि हंस लो नी कुड़ियो, खेड लो नी कुड़ियो, ये वाला गाना मैं गा रही थी। थोड़ा सा मैंने इनको भी सिखाया, सारे गाने की टांगे टूंगे तोड़ के रख दी इन्होंने ना। छोटी के हाल देखें, और छोटी ने काले कपड़े पहने हैं और बड़ी अच्छी रोटी वैसे बना रही माशाल्लाह से, तो सारे कपड़े ख़राब कर लिए। आटा ही आटा, हर पासे आटा ही आटा, वेख लो करा लो बच्चों को काम तुसी हैं, काम घट करनगे तो गंद ज़्यादा पाणगे। पर मैं क्या करूँ, इतना तंग कर रहे थे ये लोग कि हमने ही बनानी है रोटियाँ, तो मैंने फिर तीन चार इनको बनाने दी। तो माशाल्लाह से बड़ी बेटी जो है उसने सारी रोटियाँ सेकियाँ काट के साड़ियाँ बोतियाँ ने। खैर फिर मैंने उसके बाद एक पेपर ले लिया जो कि कुकीज़ बेक करने वाला पेपर होता है, हमें मैंने ना याद भूल गया जो। अच्छा इसके अंदर मैंने रोटी रखी है, दो दो रोटियाँ रखी हैं, और जिपलॉक बैग में मैंने उनको बंद कर दी गई हूँ। और ये रोटियाँ आप फ्रीज कर लें। इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया हुआ, आटा गूंथते वक्त ऑयल डाला था, और जो मैंने पेड़े बनाए उसके अंदर भी मैंने ऑयल डाला था, इसलिए ये जितनी देर मर्जी फ्रीज़र में रख लें, और फिर जब निकाल के गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल नरम की नरम रहेगी। तो हर दिन आटा निकाल के रोटियाँ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो खलारा पैंता ना खलारा, एक खलारे से बचन एक दिन का खलारा चंगा जी। तो मैं यहाँ थोड़ी चीज़ की आवाज़ डालती हूँ कि ये क्या कह रही है। देखें जी, बिचों की निकले सड़िया हुआ केला, देख ले। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।